स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो आज हम पहले जा रहे हैं एशिया के नंबर वन यूट्यूबर टोटल गेमिंग को। स्टार्ट करो। आज हम अज्जू भाई की तीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। पहली बात यह है कि अज्जू भाई ने 2023 में फेस्टिवल क्यों किया, और दूसरी बात यह है कि अज्जू भाई फ्री फायर की वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे हैं, और तीसरा टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए इसको ध्यान से सुनिएगा। तीसरा बात यह है कि अज्जू भाई को किस तरह वीडियो में आगे पेला जाए। अभी ऑडियंस का कहना है अज्जू भाई की कह के ले लो, तो अज्जू भाई की बाद में लेंगे वो भी कहकर। इससे पहले पहले टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अज्जू भाई ने 2023 में ही फेस रिवील क्यों किया। तो जैसा कि हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के सारे यूट्यूबर को पता है कि हमारा फ्री फायर 14 फरवरी 2022 में बैन हुआ था, और जैसे ही फ्री फायर बैन हुआ तैसे ही हमारे सारे यूट्यूबरों के चैनल डेड पड़ने लगे। जो बड़े बड़े गिव अवे करते थे और ज्यादातर डायमंड उड़ाते थे उन सबके चैनल तो पूरे डेड हो चुके थे, लेकिन हमारे अज्जू भाई का चैनल थोड़ा चल रहा था क्योंकि उनके मिलियनों में सब्सक्राइबर थे। लेकिन उन चूतियों का चैनल पूरी तरीके से डेड हो चुका था क्योंकि वो गिव अवे की वीडियोस डाला करते थे। वो कहते हैं ना, कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती, तो इन चूतियों ने दो चार वीडियोस और डाल के देखे गिव अवे की, लेकिन इन साल चूतियों की वो वीडियोस चली नहीं। तो इन साले दोगले यूट्यूबरों ने फ्री फायर को क्विक कर दिया, लेकिन हमारे अज्जू भाई ने फ्री फायर को क्विक नहीं किया। कितने अच्छे हैं ना गाइस हमारे अज्जू भाई, और कितना ज्यादा अपने सब्सक्राइबरों से वो प्यार करते हैं। जो भी ये समझता है ना, कांग्रेचुलेशन, तुम चूतिये बन चुके हो सालो, तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं होगा हमारी कम्युनिटी में, साले पिकाचू हो। ये बात उन्हीं चूतियों के लिए थी जो अपने दिमाग का बिल्कुल भी यूज नहीं करते और कहते हैं जो हमारे अब्बा ने बोल दिया वही सच है। मैं फ्री फायर कम्युनिटी की ऑडियंस से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी यूट्यूबर किसी को एक्सपोज करता है तो आप उसके खिलाफ प्रूफ मांगिए। अगर वो प्रूफ नहीं दिखाता तो इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ, आप प्रूफ मांगिए। तो जैसा कि मैंने वीडियो में कहा था कि अज्जू भाई फ्री फायर को क्यों नहीं क्विक किए, क्योंकि वो अपनी फ्री फायर ऑडियंस से बहुत ज्यादा प्यार करते थे कि क्विक करने के बाद उनका कोई करियर ही नहीं बचता। आइए मैं बताता हूँ फुल प्रूफ के साथ। तो जैसा कि आप सबको पता ही है कि अज्जू भाई की ज्यादातर ऑडियंस फ्री फायर कम्युनिटी के ही है, तो जैसा कि फ्री फायर बैन होते ही अज्जू भाई भी अगर बाकी यूट्यूबरों की तरह फ्री फायर को क्विक कर देते तो उनकी ऑडियंस देखती क्या, सारी ऑडियंस तो फ्री फायर कम्युनिटी की ही है, उनकी ऑडियंस देखती क्या, उनका चैनल पूरी तरह लौड़े में मिल जाता और ना ही उन्होंने फेस रिवील किया था जो कि दूसरे कॉन्टेंट में वो शिफ्ट हो जाते। इसीलिए ना चाहते हुए भी इन्हें फ्री फायर कम्युनिटी में रहना पड़ा, और अज्जू भाई ने फिर जाके टेक्नो गेमर की तरह खूब सारी गेम्स खेल के देखी और चैनल पे वीडियोज उनकी डाली, और फिर भी उनका चैनल पे व्यूज नहीं आए जितने उनके सब्सक्राइबर है। सारे के सारे तरीके अपनाने के बाद भी अज्जू भाई के चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे थे, तो उनके पास कुछ भी नहीं बच गया था फेस रिवील करने के अलावा। तब जाके उन्होंने कहीं जाके 2023 में 30 दिसंबर को फेस रिवील किया। फेस रिवील करने के बाद अज्जू भाई को दो एडवांटेजेस मिली। पहला एडवांटेज ये है कि पहले की तरह उनके चैनल पे फिर से एक बार व्यूज आने लगे हैं, और दूसरा एडवांटेज मैं आपको अगले टॉपिक में बताऊंगा। उससे पहले आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज गाइस। वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। कोई तरीका है भीख मांगने का? अज्जू भाई फ्री फायर की वीडियोस क्यों नहीं डाल रहे? जैसा कि मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था कि अज्जू भाई फेस रिवील करेंगे तो उनको दो एडवांटेज होगी। पहला एडवांटेज तो मैंने आपको बता दिया था, और दूसरा एडवांटेज मैं इस टॉपिक में बताऊंगा जैसा कि मैंने कहा था। और दूसरा एडवांटेज उन्हें ये होगा कि कहीं फ्री फायर मैक्स कभी बैन हो गया तो फ्री फायर कम्युनिटी को इन्हें छोड़ने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये अदर कॉन्टेंट ट्राई कर ही रहे हैं जैसा कि आप देख ही सकते हैं, और इनके अच्छे खासे व्यूज आ ही जा रहे हैं। इसीलिए फ्री फायर मैक्स कहीं बैन हो गया तो ये फ्री फायर कम्युनिटी को पूरी तरीके से छोड़ देंगे। अब कुछ ये कहेंगे कि फ्री फायर बैन होने पे भी तो हमारे अब्बा ने फ्री फायर नहीं छोड़ा, तो फ्री फायर मैक्स बैन होने पे कैसे छोड़ देंगे? तो मैं उन पिकाचू की सेना से बस यही कहना चाहूंगा, तुम्हारा अब्बा तो फेस रिवील करने के बाद फ्री फायर की एक वीडियो डाला इतनी मुश्किल से, तो गलती से फ्री फायर मैक्स बैन हो गया तो तुम्हारा अब्बा तो तुम्हें भूल ही जाएगा, और फिर तुम किसे अब्बा बनाओगे अपना? तो इस टॉपिक में अज्जू भाई की पूरी क्या के ले लेंगे, तो आइए देखते हैं इसकी ये वीडियो। और आज मैं खेलने वाला हूँ पुराना फ्री फायर, क्योंकि जब भी मैं फ्री फायर का वीडियो अपलोड करता हूँ ना तो एक कमेंट मेरे को जरूर देखने को मिलता है कि वी मिस ओल्ड फ्री फायर, या तो हमें ओल्ड फ्री फायर चाहिए। अब मेरे को ये नहीं समझता कि ये ओल्ड फ्री फायर है क्या। तो ये है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के सबसे बड़े यूट्यूबर जिसे ओल्ड फ्री फायर का मतलब तक नहीं पता। फ्री फायर एक नाम नहीं है ओल्ड फ्री फायर, ओल्ड फ्री फायर एक इमोशन है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के प्लेयरों का। अज्जू टट्टा ये वही टट्टा है जो फ्री फायर की वीडियोस डाल डाल के अपने चैनल पे इतने ज्यादा सब्सक्राइबर कर लिया, आज वही वीडियो डालने में इतने ज्यादा नखरा छोड़ता है। तो इससे बड़ा दोगला कोई होगा हमारी कम्युनिटी में? आप ही बताइए गाइस। तो आइए गाइस अज्जू टट्टे की एक और वीडियो देखते हैं जिसमें इसने फ्री फायर का गेम प्ले किया था, तो देखते हैं इसने क्या हगा था उस वीडियो में। आज हम लोग खेलेंगे फ्री फायर, वो भी मोबाइल में। मैंने फिंगर स्लिप पहन लिया है तो मजा आने वाला है, और जिस मोबाइल में खेलने वाले वो मोबाइल ये रहा, सैमसंग गैलेक्सी S23 FE।
इस मोबाइल में आ चुके हैं गैलेक्सी AI के सभी AI फीचर्स, जैसे कि सर्कल टू सर्च। मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसमें देखो मेरे पास सैमसंग का एक SSD है, बस मैंने उसको सर्कल किया और ऑटोमेटिकली मेरे को AI बता देगा कि SSD कहाँ पे मिलेगा और कौन सा SSD है। भास्कर जा साले की नागमणि लेकर ही मानेगा, सारी सेलिंग सैमसंग की तू ही करा देगा तो बाकी टेक यूट्यूबर का घर कैसे चलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जिस पीसी के ऊपर ये बैठ के इतने सालों से गेम प्ले किया करता था, उस पीसी के बारे में तो इसने एक चीज नहीं बताई, और एक फोन में इसने क्या आज गेम प्ले कर दिया, तो उसके पूरी हिस्ट्री खोल के रख दिया है। क्योंकि इसको सैमसंग की तरफ से पैसे मिले थे, इसीलिए इस फोन का प्रमोशन कर रहा था। और लास्ट में देखिए ये क्या कहता है अपनी वीडियो में, रहा है मतलब मेरे में फिट हो रहा है, मजा आ गया भाई। तो अगर तुम लोग भी चेकआउट करना चाहते हो, इस मोबाइल को खरीदना चाहते हो, तो मैं फ्लिपकार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप लोग परचेस कर सकते हो, डिस्काउंट के साथ तुम्हें मिल जाएगा, तो जाके खरीदो। तभी मैं इसे फ्री फायर कम्युनिटी का सबसे बड़ा दोगला यूट्यूबर कह रहा था। सारे दोगले यूट्यूबर तो छोटे मोटे गिव अवेज फेक डायमंड ऐप के प्रमोशन करते हैं, ये तो साला सबसे बड़ा दोगला निकला, सीधा फोन का ही प्रमोशन फेल दिया, वो भी गेम प्ले के नाम पे।